हेलो एवरीवन। तो यार मैं ये क्विक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के सीबीएसई की ये जो अफवाह चल रही है, एग्जाम पोस्टपोन होंगे, कैंसिल होंगे, ऑनलाइन होंगे, उसके ऊपर, क्योंकि भाई इस पे ऑलरेडी बहुत इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है यार आप में से बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो मैं बस आप लोगों की पढ़ाई से कंसर्न हूँ और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्या होना है क्या नहीं होना है। देखो यार, हमें अभी एग्जैक्टली तो ऑफकोर्स नहीं पता कि क्या होगा, गवर्नमेंट को भी नहीं पता हो यार, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, पता नहीं कोरोना कंट्रोल में आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट देखो यार, एज अ स्टूडेंट आपको मैं एक सिंपली सी बात समझा देता हूं। देखो, अगर एग्जाम ऑनलाइन हुए तो उसी शेड्यूल पे होंगे जिस पे अभी होने हैं, ठीक है? तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्रिपरेशन उसी पेस पे रखनी है जिस पेस पे अभी हम कर रहे हैं। अगर एग्जाम पोस्टपोन हुए तो भाई और बढ़िया ना, आप लोगों की पहले से ही सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, आप उसी पेस पे चलो जिस पेस पे अभी आप चल रहे हो, ठीक है? आपकी प्रिपरेशन पहले से ही होके हो जाएगी, आपके एडवांस पे प्रिपरेशन होगी। एग्जाम पोस्टपोन हुए तो बढ़िया है, और ज्यादा हम अच्छे से मेहनत कर लेंगे, और ज्यादा हम क्या कहते हैं हमारी प्रैक्टिस का हमें टाइम मिल जाएगा, हमारे हमारे एंट्रेंसेस के लिए भी और ज्यादा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड पोस्टपोन हुए तो एंट्रेंसेस भी होंगे, तो भाई हमारे लिए वहां पे भी विन विन सिचुएशन है। और एग्जाम रही कैंसिल होने की बात, यार वो चीज तो मोस्ट अनलाइकली मान के चलो, क्योंकि आप लोगों के लास्ट ईयर भी कुछ बोर्ड एग्जाम हो गए थे आपके पोस्टपोन या कैंसिल होने से पहले, और उनके बेसिस पे नंबर लग गए थे। अब भाई अगर कैंसिल कर दी तो प्रैक्टिकल के बेसिस पे नंबर थोड़ी लगा देगी यार बोर्ड पूरे के पूरे आपके एग्जाम के, भाई दैट इज रियली डिफिकल्ट फॉर अ क्लास 12 स्टूडेंट, क्योंकि आपके कॉलेज के एडमिशंस बहुत जबरदस्त तरीके से अफेक्ट होते हैं आपके इससे, प्रैक्टिकल आपके बोर्ड के मार्क्स से, चाहे एंट्रेंस हो चाहे मेरिट बेसिस पे हो एडमिशन, पर एंट्रेंस के केसेस में आपके बोर्ड के मार्क्स को भी वेटेज मिलती है यार, तो वो ऐसा बहुत मुश्किल है यार। मतलब देखो, अब कोरोना की सिचुएशन है, होने को कुछ भी हो सकता है, बट ये चीज होने के बहुत कम चांसेस हैं। तो प्लीज अपने प्रिपरेशन से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, पढ़ाई पे फोकस करिए, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड आप लोगों में पता ही होगा, नहीं पता मैं बता देता, इंग्लिश का हम पूरा सिलेबस ए टू जेड करवा रहे हैं इस चैनल पे, फ्री में प्रिंस अकेडमी पे। तो भाई जुड़े रहेंगे एंड पढ़ाई करते रहेंगे।